ये सबसे पहला मैंने वलीद मैंने सोचा हुआ था कि पहला सवाल मैं वलीद से करूँगी कि अम्मी अब्बू ने तुम्हें क्या खिलाया पिलाया कि तुम्हारा दिमाग इतना तेज। अम्मा ने बहुत मेहनत की हमारे पे और उस चीज़ को हमने जो है ना वो किया और हम 6 बहन भाई हैं। अच्छा, और जब पेरेंट्स को देखा कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जस्ट टू मेक अस के अम्मी अबू खुद क्या करते थे? अम्मी हाउसवाइफ हैं और फादर जो हैं वो सीए फाइनलिस्ट। अच्छा, सो जाहिर है दिमाग उनका भी तेज़ होगा, वो तो एक होता है ना, इट रन्स इन द फैमिली। और तभी जब पढ़ाकू अम्मा अब्बा होते हैं तो बच्चे भी उनको देखकर थोड़ा सा जस्ट करते हैं चीज़ों को। सो आपका नंबर कौन सा है? 6 मेरा लास्ट नंबर, सबसे छोटे। तो बड़े बहन भाइयों की हिस्ट्री बताओ कि वो पढ़ाकू थे या बड़े भाई जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ले माशाल्लाह। और मतलब उन्होंने हायरार्की स्टार्ट की, उन्होंने ज़्यादा पढ़ते थे तो हम उनको देख के कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो एक चीज़ जब छोटे होते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा भाई पढ़ रहे हैं, तो हमने कोशिश की कि हम भी उनके नक्शे कदम पे चल के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। हाँ, तो वो हमें गाइडेंस भी देते थे, तो कोशिश यही थी कि अच्छे से अच्छा जो है। फिर जो नेक्स्ट बड़े वाले भाई इंजीनियर हो गए जी, दूसरे सिस्टर हैं, उसके बाद उन्होंने फाइन आर्ट्स किया है। अच्छा, और उसके बाद सिस्टर है, उन्होंने बीएस होम इकोनॉमिक्स, और उसे जो सिस्टर है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, और भाई हैं वो उन्होंने डॉक्टर फिजियोथेरेपी की। अच्छा, और यहाँ आपने सोचा कि भाई मैंने तो मेडिकल करना है, मेडिसिन। सो सारे बहन भाइयों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वलीद जो है वो ज़्यादा तेज थे पढ़ाई में, या उनको कुछ करके प्रूव करना था बड़े बहन भाइयों को, अम्मी अब्बू को, कि भाई मैं भी मेहनती हूँ, या सबने पढ़ाया है? सब ने कोशिश की थी, लेकिन एक मेरे अंदर जब मैं इस फील्ड के अंदर आया तो मुझे एक जिम्मेदारी सी फील हुई। हाँ, फील हुई कि एक्सेल करना चाहिए, और हम ओथ लेते होते हैं बिफोर स्टार्टिंग MBBS। हाँ, तो जब वो ओथ लिया तो एक बंदे को अंदाजा होता है यार दिस इज नॉट फन, और ये एक जिम्मेदारी है हमारे कंधों पे जो हमने पूरी करनी है।